हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर व्लॉग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रॉम डोरूपुरु साइड। और ये देखो मॉर्निंग में डोरू कितने आराम से सो रहा है। और डोरू की मैं सबसे बचपन की वीडियो आपको दिखाती हूँ। ये देखो इतना क्यूट था जब ये सिर्फ 2 से 2.5 महीने का था। देखो कितना क्यूट है। और ये मॉर्निंग में जब ये धूप सेक रहे थे हम, और ये मिट्टू स्कूल से आई क्योंकि इसकी 1:30 बजे छुट्टी होती है, और ये आई फिर हम लोग छत पे चले गए थे बिकॉज पानी का कुछ इशू हो रहा था। और ये डोरू ने देखो क्या किया, इसने इतना ज़्यादा ब्लंडर कर दिया था ऊपर जाके। मिट्टू बार बार पौधे समेट रही थी और ये उन्हीं पौधों को उखाड़ रहा था। मुझे लगा था, मैं कहा आज हमारी नीचे वाली आंटी हमें मार ही डालेंगे अगर उन्हें कुछ भी ऐसा पता चल गया तो। और ये देखो मिट्टू ने अच्छे से सारा पौधा सेटल किया और डोरू फिर से उसे निकालने की ताक में, बट उसको हल्का सा कुछ आँख के पास ऐसे लग गया था बिकॉज एलोवेरा का कॉर्नर बहुत ज़्यादा शार्प होता है। और ये देखो इसने हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी, ऑलरेडी हम इतने परेशान थे, और ये देखो पूरा सन गया था पूरा। मतलब इसे बिल्कुल भी ये नहीं था कि बाद में क्या होगा, इसको एहसास ही नहीं था कि इसे नहाना भी पड़ेगा। इसने सोचा भी नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, बट ये पानी के खूब मज़े ले रहा था। इसकी वजह से हमें पूरी छत धोनी पड़ गई थी। और ये देखो अभी भी स्टिल हम लोग छत साफ़ कर रहे थे और ये उसमें पूरे कीचड़ के पैर लेके घूम रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था छत साफ़ हो रही है कि नहीं। और जैसे इसको नहला दिया हमने जल्दबाजी में ऊपर धूप में गर्म पानी से, और ये मिट्टू के पीछे पड़ गया कि तू ही थी ना वो बोलने वाली, तूने शिकायत लगाई थी ना कि मैंने पौधा उखाड़ा। ये देखो पूरी तरीके से ये मिट्टू को ब्लेम करते हैं। और जैसे इसने देखा कैमरा ऑन हुआ है, और ये सबसे शरीफ बच्चा बन गया कि नहीं इसने कुछ भी नहीं किया। और ये देखो मिट्टू को इसने बाद में छुआ तक नहीं, ये सोच के कि मैं कैमरे में आ जाऊँगा। और ये देखो पूरा मिट्टू को परेशान करने के बाद थक गया, क्योंकि ऑलरेडी ये नहा भी चुका था, नहाने के बाद भी बहुत आराम से सो जाता है। और ये देखो मैंने इसको अच्छे से कवर किया ताकि इसको ठंड ना लगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।